थर्ड मेथड जानते हैं हम उसका डायहाइब्रिड कॉस को। देखो अभी तक तुमने दो मेथड जाना, एक तो पनेट स्क्वायर वाला मेथड है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है। ये थर्ड मेथड है जिसमें तुमको गैमेट फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट गैमेट फॉर्मेशन तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो एक साथ निकाल सकते हो। और देखो इसको इस मेथड को कहा जाता है फॉर्क लाइन मेथड। हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो ये हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्रॉस करा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। सबसे पहले देखो इसको एक अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर में दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं। एक डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर में दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है हम कैपिटल टी स्मॉल टी को इस कैपिटल टी स्मॉल टी से हम क्रॉस कराएंगे। जब इसको हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, कैपिटल टी टू कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी टू कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी हमें मिलेगा। इसके सामने में हम इसके प्रोडक्ट को रखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। ऑब्वियस सी बात है तुम इसको इसके साथ में जब क्रॉस कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा, तो तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जिस बिंदु इसके सामने लिखोगे आर आर टू कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे भी कैपिटल आर टू कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे भी कैपिटल आर टू कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखो यहाँ इसको और इसको तुम आपस में क्रॉस कराओगे तो मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल आर टू कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर सॉरी टू कैपिटल टी कैपिटल डी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे मिलेगा कैपिटल डी स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे आपको मिलेगा टू कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और यहाँ मिलेगा फोर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और टू कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ मिलेगा आपको स्मॉल टी कैपिटल आर और टू कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर मिलेगा। गेट वन कर दो। तो देखो यहाँ तो यहाँ पे अब देखो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना, हमारे प्रोडक्ट को एनालाइज करना बड़ा आसान है। यहाँ ये जो ऑर्गेनिज्म बने हैं इन ऑर्गेनिज्म्स की इसी को देख के तुम जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हो और इसी को देख के तुम फेनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हो, दोनों निकाल सकते हो। अगर तुम यहाँ इसका जीनोटाइप लिखना चाहते हो तो जीनोटाइपिक रेशियो बिल्कुल आसान है, ये सारे के सारे जीनोटाइप ही हमने लिखे हैं। और इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, इसका रिपीटेशन सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये दो है, ये सिर्फ एक है, ये दो है, ये चार, ये दो, ये एक, ये दो और ये एक। तो 1:1:2:1:2:4:2:1:2:1 ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कौन सा रेशियो हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। अगर तुम इसी का फिनोटाइपिक रेशियो देखना चाहते हो तो तुम क्या लिखोगे, टॉल रेड टू टॉल रेड, उसके बाद ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा टॉल व्हाइट होगा क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से प्लांट टॉल होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर की वजह से प्लांट रेड होगा। मतलब कैपिटल टी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ द सॉरी कैपिटल टी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस ऑफ द प्लांट व्हाइल कैपिटल आर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडनेस रेड कलर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे ध्यान दो ये क्या होगा 2:2 रेड, मतलब दो प्लांट्स ऐसे होंगे जो टॉल रेड होंगे, चार प्लांट्स ऐसे होंगे फिर से जो टॉल रेड होंगे। अब देखो यहाँ ध्यान दो फिर ये कैसा होगा 2:2 टॉल वाइट, फिर ये क्या होगा, ये हमारा होगा ड्वार्फ रेड, ये हमारा क्या होगा 2:2 ड्वार्फ रेड, ये हमारा क्या होगा 1:2 ड्वार्फ वाइट। तो ये ड्वार्फ रेड है ड्वार्फ रेड। अब चलो देखो फिनोटाइप भी काउंट करना शुरू करो। सबसे पहले तुम देखो टॉल रेड का नंबर कितना है, एक दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और चार नौ। चलो अब उसके बाद देखो टॉल वाइट का नंबर कितना है, टॉल वाइट का नंबर देखो कितना है, टॉल वाइट एक और कितना है कहाँ पे है दो, तो कितना हो गया तीन। फिर उसके बाद देखो ड्वार्फ रेड का वैल्यू कितना है, तो ड्वार्फ रेड का नंबर कितना होगा, एक ड्वार्फ रेड हमारा यहाँ पे है और दूसरा ड्वार्फ रेड यहाँ पे है, ये भी कितना हो गया तीन। और उसके बाद कौन सा है हमारा ड्वार्फ वाइट, और ड्वार्फ वाइट का नंबर कितना होगा, सिर्फ एक होगा। तो इस तरह से तुम्हारा ये जीनोटाइपिक, ये तुम्हारा फेनोटाइपिक रेशियो निकल के आ गया 9:3:1 और इस तरह से तुम्हारा ये फेनोटाइपिक सॉरी ये तुम्हारा जीनोटाइपिक रेशियो निकल के आ गया 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1 और ये हमारा निकल गया फेनोटाइपिक रेशियो बिल्कुल एक झटके के अंदर में। मतलब पूरे फॉर्क लाइन मेथड से बड़े आसानी से आप जो है ना एक बार में
किसी भी क्रॉस का, चाहे आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डायहाइब्रिड क्रॉस हो, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस हो, टेट्राहाइब्रिड हो, चाहे आपका जो है क्या नाम इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस हो, हर केस में हर जगह आप फॉर प्लेन मेथड लगा सकते हैं।